हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने फर्स्ट लेसन पढ़ा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर सेकेंड विच नेम इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश किसी भी कारण से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 के अंदर। सी नाम का एक आदमी है, इसके अंदर एक विशेष योग्यता है, ये इसको अपनी फर्म के अंदर लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस। हो सकता है कि ए और बी के अंदर से किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, या फिर इनको बिजनेस के लिए कैपिटल की और जरूरत है, एंड सी इज ए वेरी रिच पर्सन। किसी भी कारण से वो एक साझेदार को या दो साझेदारों को अपनी फर्म के अंदर एडमिशन देना चाहते हैं। ये जो पूरा लेसन है, नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, क्या क्या समस्याएं आती है और इनका क्या क्या समाधान होता है, सभी पॉइंट्स के ऊपर अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं? जब किसी भी कारण से विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है और एक नई फर्म बन जाती है, तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। और आई कैन से एनी चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ड्यू टू द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर और ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी भी कारण से जब एक पुरानी फर्म की जगह नई फर्म अस्तित्व के अंदर आ जाती है, तो इसे ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। इसको और अपन अच्छी तरह से अभी समझते हैं। दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई बराबर बराबर 1:1 के अंदर अपना प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे। इन्होंने सी को एडमिशन दे दिया, सी फोर 1/4 शेयर, जो भी लाभ होगा उसमें से 1/4 हिस्सा कौन लेगा? सी लेगा। पहले जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो बराबर बराबर ए और बी के बीच में बट रहा था। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो एक्स और वाई ने 25,000 रुपए दोनों ने ले लिए। अब सी को एडमिशन दे दिया तो सी भी प्रॉफिट के अंदर 1/4 हिस्सा लेगा, तो बट नेचुरल भविष्य के अंदर एक्स वाई और सी का अपन को न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ओल्ड फर्म कौन सी थी? एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ 1:1। नाउ द न्यू फर्म इज एक्स वाई एंड सी, इनका नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन। मींस किसी भी साझेदार के एडमिशन के कारण साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, किसी भी साझेदार की डेथ के कारण, एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल
एक्स वाई और सी, ये तीन पार्टनर थे। एक्स ने इनका जो रेशियो था वो मान लो 5:3:2 था, 5:3:2। इसके अंदर से एक्स की डेथ हो जाती है या एक्स रिटायरमेंट लेके अपने घर चला जाता है, तो जो नई फर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी? वाई एंड सी। और इनका जो नया अनुपात होगा वो न्यू रेशो क्या होगा? इनका जो न्यू रेशो होगा वाई और सी का 3:2, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, एग्रीमेंट के अंदर चेंजेज आ गया। पहले एग्रीमेंट क्या था? 5:3:2 था, और अब नया एग्रीमेंट क्या हो गया? 3:2। इसी तरह से जब साझेदार अपनी इच्छा से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो इसे भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, 3:2:5 के अंदर ये अपना प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइड कर रहे थे। न्यू ईयर से कमिंग ईयर्स के अंदर इन्होंने डिसाइड किया अपनी इच्छा से कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो पुरानी फर्म जो पहले अस्तित्व के अंदर थी 3:2:5, अब न्यू फर्म के अंदर रेशो क्या है? 1:1:1। फाइनली व्हाट द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? एनी चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कॉन्सेंट, और ड्यू टू द अमालगमेशन ऑफ द टू फर्म्स। अमालगमेशन मीन्स जब दो फर्मों को मिलाकर एक फर्म बना दी जाती है तो पुरानी फर्म जो है वो अस्तित्व में नहीं रहती है और एक नई फर्म अस्तित्व के अंदर आ जाती है। इसी को ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, एक नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, उसके लिए क्या नियम है, क्या शर्तें हैं? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 की धारा 31 क्या कहती है कि जब तक सभी साझेदारों की सहमति नहीं हो जाती तब तक किसी भी नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, चार पार्टनर हैं ए बी सी और डी, 4:3:2:1 के अंदर ये पार्टनर थे, 4:3:7 और 2:9:10। ये इको एडमिशन देना चाहते हैं। नया साझेदार कौन है? ई। तो कहने का मतलब यह है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 कहती है कि ई को एडमिशन देने के लिए चारों पार्टनर ये जो है ए बी सी और डी सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। यदि इसमें से किसी भी एक साझेदार ने असहमति प्रकट कर दी या वो नहीं चाहता है कि नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाए तो किसी भी नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। मींस ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अदरवाइज ही कांट बी एडमिटेड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी साझेदारी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आएगा तो उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या होंगे? सपोज न्यू पार्टनर इज एडमिशन टुडे, जो भी डेट है आज की डेट के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। कर्तव्य के अंदर, ड्यूटीज के अंदर कोई लंबी छोटी बात नहीं है।
कर्तव्य के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि फर्म ने आज की डेट से पहले जो भी कार्य किए हैं या जो भी घटनाएं फर्म के अंदर घटी है उसके लिए नया साझेदार जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन आज के बाद में आज उसका एडमिशन हो गया तो फ्यूचर के अंदर फर्म के अंदर होने वाले समस्त कार्यों और घटनाओं के लिए नया साझेदार भी बराबर का जिम्मेदार होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज द न्यू पार्टनर इज ऑल्सो एन ऑनर ऑफ द फर्म। साझेदार के नए साझेदार के कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में चर्चा करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया साझेदार फर्म के अंदर प्रवेश लेगा, एडमिशन लेगा, तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। अधिकारों की यदि मैं बात करूं तो पहला अधिकार राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि नए साझेदार को फर्म की सभी संपत्तियों को यूज करने का राइट होगा, उसके अंदर हिस्सा लेने का अधिकार होगा। जैसे फर्म के अंदर फर्नीचर है, फर्म के अंदर मशीन है, फर्म के अंदर बिल्डिंग है, फर्म के अंदर मोटर कार है, तो जैसे पुराने साझेदार इन एसेट्स को यूज करते हैं वैसे ही नया साझेदार भी मालिक है, ओनर है, इसलिए उसको भी फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। इन एसेट्स की व्यवस्था किसने करी? ओल्ड पार्टनर्स ने करी। जब भी खरीदी ओल्ड पार्टनर से खरीदी और नया पार्टनर आ रहा है और उसको हिस्सा लेने का उसमें अधिकार मिल रहा है तो बदले में उसको व्हाट नेचुरल कुछ न कुछ लाना पड़ेगा, कुछ न कुछ उसको देना पड़ेगा। क्या देगा? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए और बी 3:2 के अंदर पार्टनर है, 3:2 में साझेदार थे। ए की कैपिटल 60,000 रुपए थी, 60,000, बी की कैपिटल 30,000 थी और इनकी जो टोटल कैपिटल है वो कितने रुपए थी? 90,000 रुपए की कैपिटल थी। अब इन्होंने सी को एडमिशन, एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4, 1/4 हिस्से के लिए इसको प्रॉफिट दिया, हिस्सा दिया, यानी कि भविष्य के अंदर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 1/4 हिस्सा किसको मिलेगा? नए पार्टनर को मिलेगा। संपत्तियों में हिस्सा लेगा तो उसको कैपिटल लानी पड़ेगी। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 90,000 है, 90,000 है। सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। अब जो पुराने साझेदार है वो इसको बताएंगे कि भैया तेरे को कितने रुपए की कैपिटल लानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे? टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 1 में से 1/4 हिस्सा नए पार्टनर को दे दिया तो बाकी बचा हिस्सा कितना हो गया? 3/4, यानी कि जो बाकी हिस्सा है वो किसका है? ए और बी का है। तो 3/4 हिस्से की कैपिटल कितनी है? ए और बी की 90,000 रुपए है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? इसको ऐसे देखेंगे, 3/4 कैपिटल ए और बी की 3/4 हिस्से की कैपिटल कितनी है? 90,000 रुपए। इसलिए टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इस 90,000 रुपए के अंदर मैं 3/4 का भाग दूंगा और 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 का 4/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल यदि कर देंगे तो ये 90,000 3/4 से डिवाइड हो जाएंगे। 3×3=30,000, 30,000 को 4 से गुणा कर दिया तो फर्म की कैपिटल कितने रुपए आ गई? 1,20,000 रुपए फर्म की टोटल कैपिटल हो गई। और सी को एडमिशन कितने के लिए दिया? 1/4 हिस्से के लिए। तो ये आपने 1/4 हिस्से की कैपिटल 1,20,000 रुपए के अंदर से 1/4 यानी कि 30,000 रुपए की ये अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा।
यानी कि पहला अधिकार क्या होगा, संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, संपत्तियां किसकी, फर्म की, और फर्म की संपत्तियों में अधिकार लेने के लिए उसको क्या लाना पड़ेगा, अपने हिस्से की कैपिटल उसको लानी पड़ेगी। पहला अधिकार क्या मिला, संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार, और उसके लिए वो कैपिटल लाएगा, और दूसरा अधिकार राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, भविष्य के अंदर होने वाले लाभों के अंदर हिस्सा लेने का अधिकार, भविष्य के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर वो हिस्सा लेगा, और इस हिस्से को लेने के लिए वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। जैसे मैंने बताया कि दो पार्टनर थे ए और बी, 3:2 के अंदर, और सी को एडमिशन दे दिया, C4 1/4, भविष्य के अंदर जो भी लाभ होगा उसके अंदर 1/4 हिस्सा किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, और इस फ्यूचर के अंदर होने वाले लाभों के अंदर हिस्सा लेने के लिए इसको अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, गुडविल या प्रीमियम, गुडविल को गुडविल या प्रीमियम लेके आएगा, अपनी ख्याति का हिस्सा लेके आएगा। ख्याति का हिस्सा कितना लेके आएगा, 1/4 हिस्सा इसको गुडविल लानी पड़ेगी। क्यों, अपन ये मान के चलें कि ए और बी ने आज से 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, अपने बिहेवियर की वजह से, गुड बिहेवियर की वजह से, गुड क्वालिटी की वजह से, गुड प्लेस ऑफ द बिजनेस, अच्छी जगह के ऊपर, मेन रोड के ऊपर इनका बिजनेस है, और पब्लिक ए और बी को या इनकी फर्म को इनके नाम से और इनके व्यवहार से जानने लग गए। दुकान जमाने के अंदर, फर्म को सेट करने के अंदर, बिजनेस को एडजस्ट करने के अंदर इनको 10 साल लग गए। 10 साल बाद में सी को एडमिशन दिया जाता है 1/4 हिस्से के लिए, और जैसे इसके एडमिशन के बाद में 2 लाख रुपए का यदि प्रॉफिट होता है तो 2 लाख रुपए के अंदर से 1/4 प्रॉफिट इसको मिल जाएगा, 4×5=20, 50,000 रुपए का इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। सी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फर्म के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया और 1/4 हिस्सा इसको मिल गया। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि नए साझेदार को गुडविल के अंदर हिस्सा क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस को सेट किसने किया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। प्रॉफिट इसका 50,000 रुपए है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है जब भी कोई नया साझेदार आता है, या साझेदार रिटायरमेंट होता है, या इच्छा से अनुपात चेंज होता है, गुडविल इज वैल्यूड। व्हेनेवर द फर्म इज रिकंस्ट्रक्टेड द गुडविल इज वैल्यूड। ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का मूल्यांकन कैसे होता है, इस चैप्टर के अंदर इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ए और बी ने बोला कि हमारी जो फर्म की गुडविल है वो आज की तारीख के अंदर 6 लाख रुपए की है, और आपको हम 1/4 प्रॉफिट दे रहे हैं, आप 50,000 रुपए प्रॉफिट का अभी भी ले रहे हो, और भविष्य के अंदर भी जब जब भी लाभ होगा तो आप बिना मेहनत किए हुए ही 1/4 प्रॉफिट लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा मिस्टर सी, 6 लाख रुपए की आज की डेट में हमारी गुडविल है, तो आपको 1/4 हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी, 4×4 2×4=20, यानी कि वो जो सी है वो अपने हिस्से की गुडविल कैपिटल के अलावा, ध्यान रखना है कैपिटल तो लानी पड़ेगी क्योंकि वो संपत्ति में हिस्सा लेगा, और उसके अलावा क्या होगा, उसको अपने हिस्से की गुडविल, अपने हिस्से की प्रीमियम भी क्या करनी पड़ेगी, उसको लानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अपन ने नए साझेदार के अधिकार और कर्तव्यों की बात करी,
अब नया साझेदार अपने हिस्से की कैपिटल जब लाएगा तो उसके लिए जनरल एंट्रीज क्या क्या की जाएगी, थ्योरेटिकल पोर्शन की इस चैप्टर से रिलेटेड जो पोर्शन था अपन ने डिस्कस किया, अब अपन धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नया साझेदार आएगा, अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा, जनरल एंट्री क्या होगी एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। एक्स और वाई बराबर के साझेदार हैं 1:1 के अंदर और जेड को एडमिशन दिया 2/5 हिस्से के लिए, जेड को 2/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया। एक्स और वाई ने बोला कि आपको 2/5 हिस्से की जो कैपिटल है, 2/5 हिस्से के 2/5 हिस्से की कैपिटल के लिए आपको 800,000 रुपए की कैपिटल लानी पड़ेगी। 2/5 हिस्से के लिए जेड को 800,000 रुपए की कैपिटल लाना है, कैपिटल लानी है। यदि वो अपने हिस्से की कैपिटल हार्ड कैश करेंसी के अंदर लेके आता है तो जनरल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट जनरल एंट्री, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, यदि नगद में लाएगा तो क्या जनरल एंट्री होगी। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर कैपिटल। नया पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड का नाम लिख देंगे तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड के हिस्से की कैपिटल कितने रुपए की बताई, 800,000 रुपए की, और ये अपन जनरल एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्म के अंदर 800,000 रुपए का कैश आया यानी कि एसेट्स आ गई तो हमने कैश अकाउंट को डीआर कर दिया। स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एंट्रीज को केवल याद नहीं करें, समझने की कोशिश करें कि यदि कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्यों डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है तो क्यों क्रेडिट हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से भी एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हाट वाज द अकाउंटिंग रूल फॉर द एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट का रूल था कि जब भी एसेट्स के अंदर इंक्रीज होगा, संपत्तियां जब बढ़ती है तो डीआर होती है और संपत्तियों में जब कमी आती है तो क्रेडिट होता है। नया साझेदार अपने हिस्से की कैपिटल 800,000 रुपए लाया तो एसेट्स इंक्रीज हो गई इसलिए हमने इसको डीआर कर दिया। टू जेड्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल किसका खाता है, जेड्स कैपिटल अकाउंट जेड का पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता है तो ये अकाउंट का कौन सा अकाउंट हुआ, R4 रियल अकाउंट, और ये अकाउंट कौन सा हुआ, P4 पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, आने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। जेड ने फर्म को कैपिटल दी है, ये देने वाला है, इसलिए इसको 800,000 रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया है। अब यदि नया साझेदार अपने हिस्से की कैपिटल 100% कैश नहीं लेके आता है, उसके पास में कैश नहीं है, तो if he brings in his share of capital in the way of assets and liabilities, in the way of assets and L4 liabilities, यदि वो अपने हिस्से की कैपिटल संपत्तियों और दायित्व के रूप में लाता है तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसको ध्यान से आप देखेंगे। स्टूडेंट्स अब की बार जेड अपने हिस्से की कैपिटल 800,000 रुपए नगद नहीं ला पाया और कैपिटल के रूप में वो एसेट्स लाया,
और अपना कुछ कर्जा भी लेके आया, अपनी कुछ लायबिलिटीज भी लेके आया, तो एंट्री कैसे करेंगे? इफ ही ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन द वे ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या क्या लाया? वो स्टॉक लाया, माल लिया है 12 लाख रुपए का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट DR 6 लाख रुपए, फर्नीचर अकाउंट DR 2 लाख रुपए, ये एसेट्स लिया है। एसेट्स कितने रुपए की लाया? 12, 6, 18, 2, 20 लाख रुपए की ये एसेट्स लिया है। जेड बोला, मैं मेरी संपत्तियां ले आया, मैं आपकी फर्म के अंदर आ रहा हूं, तो मेरे कर्जा भी है, मेरी कुछ लायबिलिटीज भी है, मेरे कुछ दायित्व भी है। उसने बताया कि 7 लाख रुपए का लोन है जो फर्म को अब चुकाना पड़ेगा, बिल्स पेबल है, बिल है जिनका पेमेंट को मेरे को पेमेंट करना है, 5 लाख रुपए का करना था और अब फर्म करेगी। तो कैपिटल का फॉर्मूला अपन ने 11th के अंदर पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जेड एसेट्स कितने रुपए की लाया? 20 लाख रुपए की ये एसेट्स लाया, और कर्जा कितने का लाया? 7 और 5, 12 लाख का। 20 लाख के अंदर से 12 लाख हमने माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर ये 8 लाख रुपए की कैपिटल इसकी हो गई। इस तरह से जब नगद लाता है तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट DR टू जेड कैपिटल अकाउंट, और जेड की कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में भी यदि वो लाता है तो यहां भी अपन टू जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ऊपर भी अपन जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली एंट्री किससे रिलेटेड थी? जब वो अपनी कैपिटल 100% कैश लाता है। सेकंड जनरल एंट्री पे अपन ने देखा कि वो कैश नहीं ला पाया और अपनी कैपिटल के लिए कुछ एसेट्स लाया और कुछ लायबिलिटीज लाया। थर्ड एंड लास्ट, इफ ही ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन वे ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी कोई नया साझेदार अपनी कैपिटल के बदले में कुछ एसेट्स लाता है, कुछ लायबिलिटीज लाता है और कुछ कैश लाता है, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। नया पार्टनर जेड आया, स्टॉक लाया, तो स्टॉक को DR कर दिया, स्टॉक अकाउंट DR, मशीनरी अकाउंट DR, 6 लाख रुपए की वो मशीन ले आया तो मशीनरी अकाउंट को DR कर दिया, फर्नीचर अकाउंट DR 2 लाख रुपए तो फर्नीचर को DR कर दिया, यानी कि टोटल एसेट्स अकाउंट DR बाय देयर नेम, जो जो भी वो एसेट्स लाया है उनके नाम लिखकर हम DR कर देंगे। और क्या लाया? टू बैंक लोन अकाउंट लायबिलिटीज, 15 लाख रुपए का उसके कर्जा था, ये लायबिलिटी ले आया, और टू क्रेडिटर्स, 6 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे जिनों से उसने उधार माल खरीदा था। और जेड का जो कैपिटल अकाउंट है, जेड की कैपिटल कितने रुपए की थी? 8 लाख रुपए की थी। तीनों ही जनरल एंट्रीज के अंदर जेड का कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल 8 लाख रुपए हुआ। एसेट्स कितने की लाया? 12 और 6, 18 और 2, 20 लाख रुपए की ये एसेट्स लाया। कर्जा क्या क्या लाया? लायबिलिटीज लाया 15 लाख रुपए का बैंक लोन, और क्रेडिटर्स 6 लाख, 21 लाख, और इसकी कैपिटल 8 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड बी इक्वल। यदि मैं क्रेडिट का टोटल यदि देखता हूं तो 15 और 6, 21 और 8, 29 लाख इसका टोटल आता है, और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 20 लाख। एसेट साइड का टोटल कम है, यानी कि लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। कैपिटल को इंक्लूड करते हुए कैपिटल इज ऑल्सो द लायबिलिटी फॉर द फर्म। लायबिलिटीज का टोटल कितना हुआ? लायबिलिटीज का टोटल हुआ
29 लाख रुपए के अंदर से ये 20 लाख रुपए की अपन एसेट्स को लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर क्या आएगा, 9 लाख रुपए आएगा। यानी कि 9 लाख नए पार्टनर को इन एसेट्स के अलावा कैश भी लाना पड़ेगा। तो अपन एंट्री के अंदर क्या कर देंगे, यहां पर करेंगे बैंक या कैश अकाउंट डीआर, बैंक या कैश अकाउंट डीआर बाय बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए, 9 लाख रुपए। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर हो गया 12, 6, 18, 20, 9, 29 और लायबिलिटीज साइड का भी टोटल कितना हो गया, 29 लाख रुपए। यानी कि डिफरेंस क्या हुआ सेकंड जनरल एंट्री में और थर्ड जनरल एंट्री के अंदर, एक ही डिफरेंस है। सेकंड जनरल एंट्री के अंदर अपन ने किया था टोटल एसेट्स अकाउंट डीआर टू टोटल लायबिलिटीज अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा चेंजेज और आएगा। ये जो कम पड़ गई एसेट्स, एसेट्स के अंदर एसेट्स यदि कम पड़ जाती है तो उसके बदले के अंदर नया पार्टनर कैश लेके आता है और एंट्री क्या हो जाएगी, टोटल एसेट्स फर्स्ट टोटल एसेट्स अकाउंट डीआर कैश या बैंक अकाउंट डीआर बाय बैलेंसिंग फिगर टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से अपने इस वीडियो के अंदर आज अपन ने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, सबकी सहमति से होता है, नए साझेदार के कर्तव्य क्या होते हैं, नए साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के अंदर यदि वो संपत्ति में हिस्सा लेगा तो अपने हिस्से की उसको पूंजी लानी पड़ेगी, अपने हिस्से की उसको कैपिटल लानी पड़ेगी, और दूसरा अधिकार लाभों के अंदर भविष्य में होने वाले लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार, तो इसके लिए उसको अपने हिस्से की गुडविल लेके आनी पड़ेगी। कैपिटल के लिए किस तरह से एंट्री करेंगे, यदि वो नगद लाता है, यदि वो नगद नहीं लाता है एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में लाता है, और यदि वो आंशिक रूप से नगद लाता है और आंशिक रूप से कैश लेके आता है कैपिटल के रूप में, तो कैसे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या क्या समस्याएं आती है, जैसे न्यू रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल का वैल्यूएशन एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने इस वीडियो को रुचि लेकर देखा, इंटरेस्ट लेकर देखा, उसके लिए मैं आपको, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यदि इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, और इसके अलावा यदि आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।